अट्रैक्टर प्रेजेंस फार्म फ्रेश म्यूजिलॉक के इस सफर में मैं आ गई हूँ जोधपुर। असल में 14th सेंचुरी में सूर्यवंशी राव जोधा हैड एक्चुअली फाउंड जोधपुर और एक समय पे ये मारवाड़ का कैपिटल हुआ करता था। यहाँ पे फोक म्यूजिक काफी प्रचलित है, तो आइए मेरे साथ चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही कलाकारों से जिन्होंने जोधपुर की शान और बढ़ा दी है। ये फोक आर्टिस्ट्स और किसान काफी अनसर्टेन लाइफ जीते हैं, अनसर्टेन वेदर और अनसर्टेन टेरेन। लेकिन एक चीज जो हमारे किसानों को सर्टेनिटी देती है वो है महिंद्रा ट्रैक्टर्स। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे फोक सिंगर्स को सर्टेनिटी देते हैं उनके अच्छे सुर और ताल। फोक आर्टिस्ट्स में माइंडसेट, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी का एक बेहतरीन मिक्स होता है, जस्ट लाइक महिंद्रा ट्रैक्टर्स विच इज द बेस्ट मिक्स ऑफ माइंडसेट, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। टफ हर दम संगीत हमारे संग।
फैक्टर प्रेजेंट्स फार्म फ्रेश म्यूजिलॉग के इस अनोखे सफ़र में आज मैं आ गई हूँ बालरवा गांव में, जो जोधपुर से कुछ ही दूरी पे है। और आज यहाँ हमने एक अनोखा कलबेलिया ग्रुप को परफॉर्म करते हुए देखा और मुझे पर्सनली कलबेलिया डांस भी करने का मौका मिला। तो आइए चलिए मेरे साथ मिलते हैं इस अनोखे ग्रुप के एक एक सदस्य से। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो ग्रुप है ये कितने सालों से परफॉर्म करते आ रहा है और ये इसका निर्माण कैसे हुआ? मैडम हमारे दादा परदादा एक ही पीढ़ी से आज करते हुए आ रहे हैं। पहले सांप पकड़ते थे और बीन पे उसको सांप को डांस करवाते थे, फिर अब तो सांप तो बंद हो गया, अब उनकी तरह अब हमारी लड़कियाँ वो डांस कर रही है जी। वो हमारे कई पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, इसीलिए हम हमारे कालबेलिया फोक डांस चला है जी। और सर आप मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत ही सुंदर डफली बजाई आज। ये हमें छोटा थका होता नहीं, ये डफली सीखा हम, हमारा बुढ़िया ये हमारा सीखा ही है कि भाई ये डफली बजा, ये बजाता बजाओ तो हाँ साल हो गया, ये बात मैं सीख गया, ये हमें आए कि धंधा शुरू कर दिया, धंधा ऐसे मैं सीखा बचपन से सीखा। बचपन से सीखा है आपने। और ये जो आपने बीन बजाई है आज, ये आप जब बीन बजाते हैं तो वाकई नागिन आती है यहाँ पे? नागिन आती है, आते हैं आती है। और ये आपने कैसे बजाना सीखा और आपने इतना सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट करके रखा है, तो आप हमें बताइए कि आपने कैसे बजाना कैसे सीखा इस इंस्ट्रूमेंट को? ये मेरा बुजुर्ग लोग जो ये बना हुआ ना, इसको ये सोल के इसको बनाई। हाँ जी, बना के ये पेड़ पे उगती है ये। अच्छा, पेड़ पे उगती है ना इसका बांस का, वो बना के इसमें पाता आता है इतना। अच्छा, वो पाता डाल के फिर इसको बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर सांप पकड़ता था। अच्छा, सांप पकड़ता पकड़ता मेरे लड़कियां उसको भी ये सांप की तरह नचाने डांस करने लग गए क्या? अच्छा, इसलिए अभी भी बचपन से ये जो मेरा बाप दादा बजाता तो मैं भी सीख गया जी, इसलिए सीखा था ये धंधा सीख हो गया। तो बहुत खूब बजाया आप सबने, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का चार चांद तो आज आपने लगाया है। तो आपका नाम क्या है? और मेरा नाम शिशिरा कालबेलिया है जी। हाँ, मैं कालबेलिया डांस करती हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर है और ये इतने भारी घुघरू पहन के आप डांस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं रोज? नहीं, प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ऑलरेडी करते रहते हैं बचपन से। मैं 2 साल की थी तब से मैं डांस करती आ रही हूँ। अच्छा, आप 2 साल की उम्र से डांस करते हैं, तभी वो लचक वो रिदम और वो इतना सुंदर आप करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और थैंक यू सो मच। तो अभी हम मिले कलबेलिया ग्रुप से और आइए इस म्यूजिलॉग की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पे।